प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके स्वस्थ जीवन की उस परमपिता परमात्मा से कामना। मैं मोहन शास्त्री। आज हम पढ़ेंगे हमारी पहली कविता पद, उसका दूसरा पद। पहले पद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोपियां उद्धव को उलाने देती है। गोपिया कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, किसको जाकर कहे, ना ही परत कही। जो मन की बात है वो दूसरों से कही भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि माने तो समय, आस आवन की, आने की आस में। श्री कृष्ण के आने की आस में हमने तन मन विथा सही, एक लंबे समय तक तन से मन से विथा माने पीड़ा सहन की। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरही दही, हम विरहनिया विरह की आग में जल रही है, अर्थात बिछड़ने की आग में हम जल रही है। चाहती होती गुहार जीते। गोपिया कहती है कि हम जिससे गुहार लगाना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी, भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहती थी, श्री कृष्ण जी आप आ जाए, लेकिन गोपिया कहती है हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी उतते धार भाई, उसने ही ये योग का, योग के संदेश की धार भाई है। सूरदास अब धीरे धरे, गोपिया कहती है कि अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे। अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा नहीं रही, अब कोई मर्यादा ही नहीं रही है, अर्थात श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। एक बार पुनः देखते हैं, गोपिया कहती है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव, मन की बात किसको जाकर कहे, यह दूसरे से कही भी नहीं जा सकती। हमने श्री कृष्ण के आने की आस में एक लंबे समय तक तन से मन से पीड़ा सहन की है। अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहनिया विरह की आग में जल रही हैं। हम जिससे प्रार्थना करना चाहते थे उसने ही ये योग की धारा बहाई है। सूरदास जी कहते हैं, गोपिया कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि कोई मर्यादा ही नहीं रही। यहाँ पर कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है, या प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। भाई प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम का निर्वाह दोनों तरफ से किया जाना चाहिए, और श्री कृष्ण ने प्रेम का निर्वाह नहीं किया। यहाँ प्रश्न बनता है कि भाई किन के मन की बात किस में रह गई, गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। कौन सी बात दूसरों से नहीं कही जा सकती, मन की बात दूसरों से नहीं कही जा सकती। गोपियों ने किसके आने की आस में तन से मन से पीड़ा सहन की है, गोपियों ने श्री कृष्ण के आने की आस में तन से मन से पीड़ा सहन की है। किसको सुनकर गोपिया विरह की आग में जल उठी, योग के संदेश को सुनकर गोपिया विरह की आग में जल उठी। गोपिया किससे प्रार्थना करना चाहती थी, गोपिया श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहती थी। प्रेम की मर्यादा क्या होती है, भाई प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम का निर्वाह दोनों तरफ से किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं बेटे, हमारे हरि हारिल की नगरी। गोपिया कहती है कि हमारे लिए हरि माने श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी होता है, एक छोटा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक छोटी लकड़ी को दबाए रखता है। उसका मानना होता है कि वह इस लकड़ी के सहारे ही उड़ता है, ऐसी गोपिया कहती है। गोपियों का मानना है कि हमारे जीवन का जो आधार है वो श्री कृष्ण है। मन कर्म वचन नंद नंदनो, हमने मन से कर्म से वचन से नंद नंदन नंद के लड़के को अर्थात श्री कृष्ण को, और माने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, स्वपन दिवस, स्वपन में दिवस दिन में निशी रात्रि में, काने काने जप, हम काना काना जपती रहती है। सुनत योग लागत है सो, भाई यह योग का संदेश सुनते हुए ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी, मानो कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए,
गोपियाँ कहती है, हे उद्धव तुम ये जो व्याधि माने बीमारी, ये बीमारी हमारे लिए लाए हो, देखी सुनी न करी, हमने ना तो इसको ऐसा ना तो पहले कभी ऐसी बीमारी देखी है, ना सुनी है और ना ही करी माने भोगी है इसको। यह तो सूरत नहीं ले सो, गोपियाँ कहती है कि यह तो तिन्हीं ले सोपो, यह उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन अस्थिर होता है। गोपियों का मानना है कि हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, यह योग का संदेश ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जिनका मन स्थिर होता है। एक बार पुनः देखते हैं, गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान हरि, हमारे लिए जो श्री कृष्ण भगवान है वो हरि पक्षी की लकड़ी के समान है, हमने मन से क्रम से वचन से उस नंद के लड़के को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात्रि में काना काना जपती रहती है। ये योग का संदेश सुनते हुए हमें ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी हो। हे उद्धव तुम ये जो बीमारी हमारे लिए लाए हो, ना तो हमने पहले कभी इसको देखा है, ना सुना है और ना ही भोगा है, यह तो उन्हीं व्यक्तियों को सौंपो जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अस्थिर रहता है, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण की तुलना गोपियों ने किसी किया हारिन पक्षी की लकड़ी के समान, गोपियों ने किसको अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। कौन जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात्रि में काना काना जपती रहती है, गोपियां जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात्रि में काना काना जपती रहती है। गोपियों को योग का संदेश किसके समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियां किस गोपियां योग के संदेश को कैसी व्याधि बताती है, गोपियाँ योग के संदेश को ऐसी व्याधि बताती है, गोपियाँ कहती है हमने न तो ये देखी है न सुनी और न इसको भोगा है। गोपियाँ योग के संदेश को किन लोगों को देने की बात कहती है, गोपियाँ योग के संदेश को ऐसे लोगों के देने की बात कहती है जिनका मन अस्थिर होता है। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। धन्यवाद।